आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 26 जिलों के 4 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी भारतीय सेना। राजीव गांधी हत्याकांड में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरासिरिवलन को रिहा करने का दिया आदेश। मायावती ने भाजपा पर साधा निशाना। बोली, षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा। बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जलभराव। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दक्षिण भारत में बारिश की जताई थी संभावना। आग से लड़ाई में कमजोर पड़ता शहरीकरण। इमारतों के निर्माण में भारी पड़ती सुरक्षा मानकों की अनदेखी। राष्ट्रीय राजधानी में बुलडोजर कार्रवाई के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली नगर निगम से मांगी रिपोर्ट। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कार्यकारी अध्यक्ष पद से हार्दिक पटेल ने दिया इस्तीफा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सीबीआई निदेशक नागेश्वर राव पर ठोका 10,000 रुपए का जुर्माना। ट्विटर अकाउंट को लेकर दायर की थी याचिका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी लक्ष्य रखेंगे। दिल्ली सरकार का आरोप, हमारे हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पलटवार, झूठ बोलते हैं। अलायंस एयर के 2 विमान चालकों के लाइसेंस निलंबित। लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर निकल गया था विमान। रेलवे बोर्ड के तहत गति शक्ति निर्देशालय का किया गया गठन। 100 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की दे सकेगा स्वीकृति। चाइनीज वीजा केस में कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका। सीबीआई ने किया भास्कर रमन को गिरफ्तार। इस मामले में पहली गिरफ्तारी। हनुमान चालीसा विवाद के बाद एक दूसरे के निशाने पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और शिवसेना नेता संजय राउत, लेकिन कुछ दिनों तक रहना होगा साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की असम के सीएम से बात। केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया हर संभव मदद का आश्वासन। आजादी से पहले व्यासपीठ से उठा ज्ञानव्यापी का मुद्दा। पुराणों में प्रमुखता से उल्लेख, ये मालिकाना हक का मामला हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने से उमस वाली गर्मी। जून के पहले सप्ताह में आ सकता है मॉनसून। राहत मिलने की उम्मीद। यूपी के ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में पाइप पेयजल और बालक बालिका शौचालय। अगस्त तक 1.5 लाख से अधिक विद्यालयों को मिलेगी सुविधा। योगी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ के सिविल अस्पताल में बढ़ेंगे 400 बेड। बनेगा नया ओपीडी भवन।
यूपी में धरोहरों को गोद लेने के साथ आमदनी भी कर सकेंगे। इस स्मारक मित्र राज्य पुरातत्व निर्देशालय की ओर से एडॉप्ट एंड हेरिटेज योजना की पहल की गई शुरू। तालाबों की ओर से लौटने का वक्त, यूपी के रामपुर जिले में बना है देश का पहला अमृत सरोवर। यूपी एमआरसी की यात्रियों को सौगात, लखनऊ में बने सुपर सेवर कार्ड से अब कानपुर मेट्रो में भी कर सकेंगे सफर। रेलवे अफसरों का कारनामा पास, अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया ही नहीं, सबसे कम अंक पाने वाले का कर दिया प्रमोशन। माफिया पर कहर बनकर टूट रहा बाबा का बुलडोजर, 50 दिन में मुक्त कराई 594 करोड़ रुपए की संपत्ति। गोरखपुर बांदा हम सफर एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप, गोरखपुर में ट्रेन रोककर हुआ गहन जांच, देर रात रवाना हुई ट्रेन। जीएसटी विभाग की टीम ने दो फार्मों पर की छापेमारी, खन्ना में यूपी के कपड़ा व्यापारी से पकड़ी 27 लाख नकदी। अलीगढ़ में 5 मॉडल अमृत सरोवर विकसित करेगा जिला पंचायत, सर्वे का काम शुरू। गोंडा जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद भड़के स्वजन, चिकित्सक और स्टाफ की जमकर की पिटाई। यात्रियों के लिए रेल ऐप मददगार, सफर के दौरान मिल रही सहायता और चिकित्सा सुविधा भी। विभागीय वर्चस्व में जल जीवन मिशन पर संकट, वाराणसी में शासन तक हो रही शिकायत। औरैया में अवैध शराब पर चला रोलर, 40,000 लीटर शराब की गई नष्ट। अलीगढ़ में युवती को ब्लैकमेल करने का मामला, युवक की जनता ने की पिटाई, आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में पहली बार ताज नगरी में लग रहा हुनर हाट, 32 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से शिल्पी लगाएंगे स्टॉल, हुनर हाट में प्रवेश रहेगा निःशुल्क। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने निकाली शांति मार्च, वीसी के नाम सौंपा ज्ञापन, शीघ्र चुनाव कराने की दी चेतावनी। अलीगढ़ में जिला कारागार में किए जा रहे कई आयोजन, कैदियों से कराया जा रहा योग और गायत्री मंत्र। अलीगढ़ में नमकीन व्यापारी से 1 लाख की लूट, हथियारों के बल पर हुई लूट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने शुरू की वसूली की कार्यवाही, पैसा नहीं लौटाने पर होगा एक्शन। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। कानपुर में भीषण गर्मी से लोग परेशान, गहराने लगी पानी की समस्या, सपा विधायकों ने किया धरना प्रदर्शन, जल की आपूर्ति सुचारू रूप से करने की मांग। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और परिवार के सदस्यों पर एक और मुकदमा, जयपुर में मिली परिवार की लोकेशन।
भदोही वाराणसी मार्ग पर ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर के कारण 3 की मौत, 6 लोग घायल। रामपुर नवाब काजिम अली ने सपा विधायक काजिम खान और अब्दुल्ला पर बोला हमला, कहा इनको दे देना चाहिए इस्तीफा। फिटनेस न कराने वाले स्कूल वाहनों का निरस्त होगा परमिट, स्कूलों को 15 दिन का मिलेगा नोटिस। गर्मी बढ़ी तो फूल बंगला में विराजे रामलला, अयोध्या को शीतलता देने के लिए लगा 10 क्विंटल फूल। यूपी में अब नहीं होगी दवाओं की किल्लत, सभी जिलों में ड्रग वेयर हाउस बनाएगी योगी सरकार। केदारनाथ यात्रा पर आए मध्य प्रदेश के यात्री की तबीयत बिगड़ने से मौत, 4 धाम में मृतकों की संख्या पहुंची 43। टिहरी में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर खाई में गिरी बाइक, एक युवक की मौत, दूसरा सड़क पर छिटका। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोलेरो और एम्बुलेंस में जबरदस्त भिड़ंत, केदारनाथ यात्रा पर आई कई यात्री घायल। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मारा छापा, आरटीओ दिनेश पठोई को किया सस्पेंड। डीफ ओलंपिक्स रुड़की के अभिनव और शौर्य ने हासिल किए पदक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा बुलावा। देहरादून में पुलिस चौकी में महिला के साथ बर्बरता की हदें पार, बेरहमी से पीटा, करंट लगाया और भी भद्दी गालियां भी दी, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी में युवाओं की धमक, 3 से 4 महीने के भीतर आ जाएगा अस्तित्व। डॉक्टरों के नाके बाद भी धाम पहुंच रहे अनफिट श्रद्धालु, अब तक हो चुकी है 30 से ज्यादा लोगों की मौत। कार्बेट टाइगर रिजर्व के बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट की सीईसी के लिए 2000 पन्नों का जवाब तैयार। देहरादून में अचानक बदला मौसम, गर्जना और आंधी के साथ हुई तेज बारिश। ऋषिकेश में 25 मई तक सभी धामों के स्लॉट फुल होने के बावजूद किया जा रहा बद्रीनाथ के पंजीकरण, अग्रिम आदेश तक रोक। रुड़की में मोबाइल झपटने वाले 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, 4 मोबाइल और बाइक बरामद। उत्तरकाशी में क्षतिग्रस्त पुलों पर चोरों की नजर, 2 ट्रक में भर कर ले जा रहे थे लोहा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। नैनीताल जिले में आंधी पानी से आम की काफी फसल को नुकसान, हो उद्यान विभाग कराएगा सर्वे। आर्थिक संकट के बीच संसद पहुंचे श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे।
उत्तर कोरिया में 17 लाख के पार हुए कोरोना के मामले, 14 लाख से अधिक लोगों की लगी इमरजेंसी ड्यूटी। अटकलों का बाजार हुआ गर्म, शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल में बदल जाएंगे कई बड़े चेहरे। पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन बना बड़ा संकट, चिलचिलाती गर्मी और सूखे के बीच बड़ी चिंताएं। भारतीय मूल के सामाजिक कार्यकर्ता को बाइडेन का पत्र, कहा दुनिया का बेहतर नेतृत्व कर सकता है अमेरिका। पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद भी नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले, आतंकवाद का ग्राफ फिर बढ़ा। रूस पर नहीं थम रहा प्रतिबंधों का सिलसिला, कनाडा ने पुतिन और लगभग 1000 रूसी नागरिकों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। तहरीक तालिबान के साथ पाकिस्तान ने फिर शुरू की बातचीत, सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला कर रहे ये आतंकी संगठन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप, शहबाज सरकार ने दिए जांच के आदेश। पाकिस्तान में इंटरनेट मीडिया पर ईशनिंदा में दो गिरफ्तार, कानून का हो रहा दुरुपयोग। S&P ने भारत की ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7.3% किया, बढ़त महंगाई और रूस यूक्रेन युद्ध बनी वजह। पांच उपभोक्ता बॉन्ड्स के साथ अधिग्रहण की बात कर रही है टाटा, विस्तार की तैयारी। अप्रैल में देश के भीतर 15,900 कंपनियां हुई रजिस्टर, कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय ने दी जानकारी। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर ध्यान दे स्टार्टअप सलाहकार परिषद, पीयूष गोयल ने कहा। अप्रैल के लिए GST पेमेंट की डेडलाइन 24 मई तक बढ़ाई गई, करदाताओं को मिली राहत। म्यूचुअल फंड ने 10 लाख रुपए को 18 साल में बनाया 2.5 करोड़, बराबरी वाले दूसरे फंडों ने दिया रिटर्न। महंगे खाद्य वस्तुओं ईंधन की कीमतों में तेजी के चलते अप्रैल 2022 में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर 15% के पार। सोना हुआ 50,000 के पार, चांदी में भी दिखी चमक, सोना और चांदी बढ़त के दायरे के में एक साथ कारोबार कर रहे। SBI ने 2 महीनों में दूसरी बार दिया लोन ग्राहकों को झटका, अब बढ़ जाएगी किश्त। क्रिप्टो पर RBI अधिकारियों का बयान, कहा फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। विराट के बाएं हाथ में लगे थे टाके, बावजूद इसके खेल दी T20 की यादगार पारी। तीन साल बाद इडेन गार्डन्स में होगा IPL के मैच, पहले क्वालिफायर के लिए तैयार है स्टेडियम।
रवि शास्त्री ने दिए संकेत, कहा हैदराबाद के बल्लेबाज को मिल सकता है टीम इंडिया में मौका। खामोश है राजस्थान के बल्लेबाज जोस बटलर का बल्ला, फिर भी ऑरेंज कैप की सूची में टॉप पर। रफ्तार के किंग उमरान ने पहले बार बनाई टॉप फोर में जगह, चहल नंबर वन पर बरकरार। रोमांचक मैच में जीता सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई को 3 रन से हराया, प्लेऑफ की जंग हुई रोचक। जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने, बुमराह ने T20 क्रिकेट में पूरे किए 250 विकेट। आरसीबी ने क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर किया सम्मानित। सहवाग ने शोएब अख्तर पर कसा तंज, आईसीसी ने ऐसे ही बैन नहीं लगाया था, वो जानबूझकर कर रहे थे ऐसा काम। तमीम इकबाल ने जड़ा अपने करियर टेस्ट करियर का 10वां शतक, बांग्लादेश ने श्रीलंका पर किया करारा पलटवार। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी बिग बॉस 14 विनर रूबिका दिलैक की डेब्यू फिल्म अर्ध, लीड रोल में नजर आएंगे राजपाल यादव। लद्दाख की हसीन वादियों से एक्ट्रेस कृति सेनन ने शेयर की यादें, फैंस ने एक्ट्रेस की मुस्कान को लेकर कही बात। एक्टर आर माधवन से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक सेलेब्स का कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चला जादू। एक्स हस्बैंड वनराज के सामने अनुपमा ने थामा अनुज का हाथ, अनुपमा शो के ग्रैंड शादी का वीडियो हुआ वायरल। कंगना रनौत बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान को मानती है अपना गुड फ्रेंड, धाकड़ एक्ट्रेस ने बांधे तारीफों के फूल। कांस फिल्म फेस्टिवल के पहले ही दिन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने ऑल ब्लैक लुक में मारी रेड कारपेट पर धांसु एंट्री, हुस्न पर फिदा हुए हर कोई। तमन्ना भाटिया ने साझा किया अपना रेड कारपेट लुक, कांस 2022 के रेड कारपेट पर मोनोक्रोम गाउन में दिखी बाहुबली एक्ट्रेस। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर दी प्रतिक्रिया, वीडियो शेयर कर कहा आप सही बोल रहे हैं। फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के सेट से लीक हुआ शहनाज गिल का फर्स्ट लुक, बालों में गजरा और साड़ी पहने नजर आई एक्ट्रेस। व्हाइट ट्रफल गाउन में उर्वशी रौतेला ने कांस डेब्यू के साथ ही रेड कारपेट पर बिखेरा जलवा, एक्ट्रेस की खूबसूरती पर फिदा हुए फैन। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।